अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपको लेके आए हैं दरियाए जेलम के बिल्कुल बीचों बीच। तो आज दरियाए जेलम के किनारे हम बैठ के रेल फैनिंग करेंगे और ब्रिज के ऊपर से जो ट्रेन गुजरेंगी वो आपको दिखाएंगे हम, और एक डिफरेंट किस्म का ये जो सीन है वो देखने को मिलेगा। आज कवर किया मैंने चक पिराना रेलवे स्टेशन, और अभी टाइम है वापसी में मेरी ट्रेन के, होपफुली 103 पे मैं जेलम से बैठूंगा रावलपिंडी के लिए। तो तब तक सोचा है कि ये टाइम जो है वो स्पेंड करें यहाँ पे दरिया के किनारे, पानी से भरा हुआ है दरिया जेलम इस वक्त। और होपफुली जो सबसे पहली ट्रेन अभी आएगी वो आएगी रहमान बाबा एक्सप्रेस 48 डाउन, तो आपको उसका शॉर्ट सबसे पहले दिखाएंगे। उम्मीद है ये वाला जो वीडियो है आपको शॉर्ट सा वीडियो होगा, और इसमें ग्रीन लाइन दोनों अप डाउन, इसके अलावा तेज़गाम होपफुली ये ट्रेन जो है वो देखने को मिलेंगी आपको। सामने आप जेलम ब्रिज देख रहे हैं, रेलवे ब्रिज जो कहा जाता है कि पाकिस्तान रेलवे का सबसे तवील तरीन ब्रिज है। जी अभी आप वाइड शॉट देख रहे हैं जेलम रेलवे ब्रिज का, एक दफ़ा पैन करके दिखाता हूं आपको। जो राइट साइड कॉर्नर है वो उस साइड पे जेलम रेलवे स्टेशन यानी कि अप साइड है, और अगर इस तरफ मैं पैन करूं लेफ्ट साइड पे तो ये वाली जो साइड है ये जा रही है टूवर्ड्स खारियां और आगे लाला मूसा लाहौर। तो अभी जो सबसे पहले एक्सपेक्टेड है ट्रेन, जो कि अभी लेट चल रही है बल्कि 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस, वो इस साइड से फेयर होगी यहाँ से, और इसको हम ऐसे पैन करके यहाँ से ऐसे कवर करेंगे। कश्ती रानी भी की जा रही है जी दरिया जेलम के अंदर, सामने आपको नज़र आ रहे हैं भाई साहब चप्पू चला रहे हैं, और एक पीछे दूर भी ये हो सकता है वो भी एक चप्पू वाली जो नाव होती है या कश्ती है। और पीछे दूर आपको कश्मीर के पहाड़ नजर आ रहे हैं। मौसम साफ हो और गर्द बैठी भी हो तो ये पहाड़ जो हैं काफी वाज़े नजर आते हैं यहाँ से। लेकिन शाम के 5 बजे हैं और 50 मिनट डिले के साथ PHA 28319 लीड कर रहा है 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस को, जो कि इस वक्त यार्ड से गुजर रही है जेलम रेलवे स्टेशन के थ्रू पास हो रही है। अभी टाइम है शाम के 5:35, जबकि 6 डाउन ग्रीन लाइन अभी आप देखेंगे शॉर्ट में तकरीबन 12 से 13 मिनट के करीब डिले से चल रही है, इस्लामाबाद से निकली है कराची के लिए, और GE 20 45 65 4565 इसको लीड कर रहा है। जेलम ब्रिज पे तकरीबन 70 किलोमीटर की स्पीड जो है अलाउ है।
ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं इस्लामाबाद से निकल के कराची जा रही है। सबसे आगे आगे ब्रेक वैन, जिसका जो ब्रेक है उसका डोर अभी भी खुला हुआ है। जलम से गुजर रही है ग्रीन लाइन, जी मछली पकड़ने का काम अभी भी जारी है दरिया जेलम के अंदर। जाल लगाया हुआ है लोगों ने। दो ट्रेन दोस्तों आपको दिखाई हैं, इंशाल्लाह एक ट्रेन और दिखाएंगे और वो है 5 अप ग्रीन लाइन, और उसके बाद फिर हम यहाँ से जाएंगे स्टेशन ताकि आने वाली अपनी ट्रेन पकड़ें। 7 अप मैं दिखाना चाह रहा था, पर 7 अप जो है वो अभी ट्रैकर के ऊपर कहीं नज़र नहीं आ रही, तो हो सकता है वो 103 से पीछे हो, उसकी कहीं अपडेट भी नहीं है, तो इसलिए रिस्क नहीं लिया जा सकता। ये ना दोनों ट्रेन मेरी मिस हो जाएं और फिर रात जो है इंतज़ार करना पड़े मुझे रावलपिंडी जाने के लिए 1 अप का। बड़ी मेहनत कर रहे हैं जी ये 4 लोग, उम्मीद है मछली भी अच्छी पकड़ लेंगे। जी शाम के 5:55 हुए हैं और तकरीबन 10 मिनट अर्ली चल रही है 5 अप ग्रीन लाइन। कल रात 10 बजे निकली है कराची कैंट से और इस्लामाबाद मारगला स्टेशन तक जाएगी। G24554 इसको लीड कर रहा है। खारिया सिटी पे दोनों सिस्टर ट्रेन्स का क्रॉस हुआ है आज। 6 डाउन पहले से ही मौजूद थी रिसेप्शन के लिए 5 अप की। रह जेलम पे दाखिल हो चुकी है जी ग्रीन लाइन। दोस्तों काफ़ी इन्जॉय किया दरिया जेलम के किनारे बैठ के, और कैमरे के ऊपर जिम्मेदारी इस वक्त निभा रहे हैं हमारे दोस्त हसनैन राजपूत,
और दरा जलम बहुत कामली इस वक्त जो है बह रहा है, बड़े आराम से। और तीन ट्रेन आपको दिखाई हैं और चौथी दिखा सकता था जिसका आपको बताया कि वो ट्रैकर पे नहीं है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इस किस्म की छोटी वीडियोस भी हम बनाते रहेंगे और जल्दी मिलेंगे आपको इंशाल्लाह एक और नई बेहतरीन किस्म की वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।